आप सभी का शुक्रगुजार हूं और मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों का ये सहयोग मिल रहा है ये निरंतर मिलता रहेगा, ताकि आज लगभग 3 लाख लोगों का एक परिवार शुभोत्तम का है, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं उसकी आबादी लगभग 125 करोड़ से भी ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कि इसका कम से कम 1/3 भी हम कवर कर ले। तो मैं समझता हूं कि आज ये भारतवर्ष में सुभोत्तम एक बहुत बड़ा इतिहास रचेगा और वो सब कुछ आप सभी के सहयोग से होने वाला है। इसके बाद जैसा कि हमारे फाउंडर्स मेंबर का एक आग्रह था कि थोड़ा सा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में छोटी सी रोशनी डालनी है, तो आप सभी के आग्रह के अनुसार ही मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं बहुत सारे, क्योंकि आप सभी जो यहाँ पे बैठे हैं बहुत लंबा अनुभव होगा आप लोगों को MLM कंपनी का। कई बार बहुत सारे सपने दिखा के चली आती है कंपनी, लेकिन बहुत जल्दी समेट के चली जाती है। इसके कई सारे रीजन, हालांकि मुझे MLM का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी जितना मुझे है कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो कहीं ना कहीं मनी रोटेशंस करती हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो पॉसिबल हो पाता है। हेलो, बट अगर लॉन्ग सर्वाइवल चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको एक जनरेशन पार्ट रखना ही पड़ेगा। और आज मुझे ये मौका शुभोत्तम ने दिया है आप सभी के सहयोग से कि मुझे इस कंपनी के लिए मनी जनरेट करने का एक सुनहरा मौका मिला है, जिसके लिए मैं पुनः आप सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लगभग 5 महीने होने को है हमारे इस कंपनी को, इस प्लेटफॉर्म में आप लोग तो हैं। जैसे जैसे फंड आया कंपनी में, तो एक छोटा सा पार्ट निकाल के जनरेशन के लिए फॉरेक्स में हमने इन्वेस्ट किया। अगर मैं कहूँ लगभग इस टाइम इस फंड के ऊपर मैं ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ, तो शुरू में थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आया तो ये टोटल फंड आने में लगभग 5 महीने लग गए हैं। तो जो एक अप्रॉक्स मैं टाइम लूंगा बताऊंगा आप लोगों को, तो 2.5 से 3 महीना मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि जो टोटल फंड पे मुझे ऑन एन एवरेज मौका मिला है, इस 2.5 से 3 महीने के दौरान जो फंड का ग्रोथ है, जो भी फंड मुझे मिला लगभग 75,000 डॉलर प्लस हो चुका। और मैं आशा करता हूं कि मेरे से अगर आप लोगों का इस तरीके से सहयोग रहा तो दिन रात मैं शुभोत्तम के लिए एक कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर शुभोत्तम है तो हम सब हैं। और इसके लिए सिर्फ मैं नहीं, आप लोगों का सहयोग पहले मुझे मिला है और उसके वजह से आज मैं आप सब लोगों के सामने खड़े होने का मुझे मौका मिला है। और फॉरेक्स के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के बारे में अगर शायद मुझे लगता है कि आप लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को भी मालूम होगा कि बेसिकली ये डॉलर बेस्ड ट्रेडिंग है और ये करेंसी के ऊपर भी कर सकते हैं और कमोडिटी के ऊपर भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किसके ऊपर करें, जो भी मार्केट का मूवमेंट रहता है
जो भी उस समय के दौरान जो भी न्यूज चलती है या जो भी वर्ल्ड वाइड एक माहौल क्रिएट होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी करेंसी या जो भी कमोडिटी में जितने भी सेगमेंट्स आते हैं उसमें जो भी सुटेबल रहता है उस पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। और चूंकि समय बहुत हो चुका है, अगर ट्रेडिंग के बारे में मैं डिस्कस करूँ तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अभी कुछ मेरे ख्याल से और बाकी हैं यहाँ पे, शायद सर भी आएंगे इसके बाद, आई थिंक और भी कुछ लीडर अगर कुछ बोलना चाहें तो उनको भी मौका दिया जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत कुछ ना बोलते हुए इस बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेरा पूरा एफर्ट इस कंपनी के ग्रोथ के लिए, मेरा तन मन धन सब कुछ मेरा समर्पित है। समर्पित कर दीजिए। शुभतम अगर आज खड़ा रहेगा, कल भी खड़ा रहेगा, तो हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसा इतिहास रचने वाले हैं। जो मैंने कहा कि 125 करोड़ के देश में हम जल रहते हैं, एक 1/3 का भी हिस्सा हमने कवर कर लिया, तो शायद इस देश की सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी। धन्यवाद करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये माहौल हमारे जो फाउंडर मेंबर्स हैं और आप सभी ग्रेट लीडर्स ये बार बार ऐसा ही इस तरीके से माहौल क्रिएट करते रहे। और ये जो एक मैं तो एक उत्सव कहूँगा इसको, इस तरीके से, इस तरीके के उत्सव में मुझे बार बार आने का मौका मिले।